स्कॉर्पियो और एक्वेरियस का साल अनासिर के असूल पर पानी और हवा बहम कोई रिश्ता नहीं रखते और इनमें नजूम के कवाद में अक्रब और दलव एक मुखालिफ जाविया बनाते हैं। अक्रब से दलव चौथा बुर्ज है और अक्रब दलव से दसवें नंबर पर है। जायचे का चौथा खाना घरेलू जिंदगी से मुतालिक है और दसवां पेशा वराना सरगर्मियों से। किसी जज्बाती और दबागी इतिहाद के लिए ये दो मुतजाद सिमतें हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि ये जोड़ी शराकती और अजदवाजी इतिहाद के लिए मौजू नहीं है। अक्रब और दलव का इतिहाद कदम कदम पर नाखुशगवारी ला सकता है और ये अमूमन देर पा और मजबूत ताल्लुक नहीं होता। इन दोनों के दरमियान करीबी गहरे ताल्लुक पैदा होना बहुत मुश्किल है। एक्वेरियंस बहुत आज़ाद मंश लोग हैं, जबकि स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा काबजाना फितरत रखने वाले हसास अफराद। एक्वेरियस शख्सियात के जहनी तसव्वुरात मुख्तलिफ सिमतों और आसमानों में परवाज करते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा किसी के करीब होकर इसका पाबंद रहना बहुत तकलीफ दह महसूस होता है। इसके बरक्स अक्रब अफराद बहुत हसास और खासी हद तक हासिदाना तबीयत के मालिक और दूसरों को अपना मती या ज़ेर असर रखने के ख्वाहिशमंद होते हैं। अब इनके शरीक हयात अगर एक्वेरियंस हो, जो कि ख़ुद को आज़ाद रो आज़ाद ख्याल और घूमने फिरने के आदि शौकीन मिजाज होते हैं, तो फिर स्कॉर्पियो शख्सियत का खून खोलना शुरू हो जाएगा। इनका गुस्सा कुदरती बात होगी, नतीजा जाहिर है कि शदीद इख्लाफ की सूरत पैदा हो जाएगी। एक्वेरियस स्कॉर्पियंस दोनों शक्की मिजाज होते हैं और एक दूसरे के बारे में बहुत मोहतात भी। ये दोनों कभी एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते, क्योंकि दुनिया के बारे में दोनों ही का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक दूसरे के अमल की गहराई या वजूहात नज़र भी नहीं आती। इस सूरत में इन दोनों की जोड़ी को कामयाब बनाना या दोनों में मोहब्बत और लगावट पैदा करना एक अमर मोहाल है, लिहाजा इनके इतिहाद की सिफारिश नहीं की जा सकती।